R-D-I बेल, ये नाम क्या पहले सुना है आपने? सोशल मीडिया पर दावा है कि ये वही बिल है जो बैंक में जमा आम आदमी के पैसे डुबोने की ताकत रखता है। दावा है कि मोदी सरकार बैंकों को मजबूत बनाने के लिए ऐसा बिल ला रही है जिस बैंक में जमा आम जनता के पैसों पर हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। दावा है कि ये बिल बैंकों को वो पावर देने वाला है जिसके जरिए अगर बैंक आर्थिक रूप से कमजोर हुए या उनके दिवालिया होने की नौबत आई तो उससे उबरने के लिए वो बैंक में जमा आम जनता की कमाई को रोक लेंगे। दावा सुनने वाले लोग सवाल कर रहे हैं कि भला बैंक के नुकसान की भरपाई आम जनता क्यों करे? आखिर मोदी सरकार ऐसा बिल क्यों लाएगी? सोशल मीडिया तरह तरह के दावे कर रहा है और एक्सपर्ट अपनी राय बता रहे हैं, लेकिन इस पूरे मसले पर अगर कोई एक संस्था सारे भ्रमों को दूर कर सकती है तो वो है सरकार। ऐसे में हमने सरकार से उनकी राय मांगी। इस मामले पर सबसे पहले 6 दिसंबर को सामने आया वित्त मंत्री अरुण जेटली का ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा, फाइनेंशियल रेजोल्यूशन एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस FRDI बिल 2017 स्टैंडिंग कमेटी के पास पेंडिंग है। सरकार का मकसद पूरी तरह से वित्तीय संस्थान और जमाकर्ताओं को सुरक्षा देना है। सरकार इस मकसद को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन जब वित्त मंत्री के इस आश्वासन के बाद भी बात नहीं बनी तो 7 दिसंबर यानी गुरुवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में सरकार ने साफ साफ कहा, FRDI बिल में जो प्रावधान है वो मौजूदा समय में जमाकर्ताओं को जो सुरक्षा दे रहे उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, बल्कि ज्यादा पारदर्शिता के साथ इस प्रावधान में कुछ और सुरक्षा जरूर जोड़ी जा सकती है। सरकार का दावा है कि नए बिल के कानून बनने के बाद बैंक में जमा ग्राहक में 1 लाख रुपए तक की जमा पर तो सुरक्षा मिलेगी, उसके ऊपर की रकम के लिए भी जमाकर्ताओं के दावे को तरजीह दी जाएगी। मतलब अगर कोई बैंक या वित्तीय संस्था दिवालिया हो जाती है तो उसकी संपत्ति बेचकर पैसे के भुगतान में जमाकर्ताओं के दावों का पूरा ख्याल सरकार रखेगी। मतलब दिवालिया बैंक लोगों की जमा पूंजी डूबने का खतरा नहीं होगा। अभी जो नियम कानून है उसके मुताबिक अगर कोई बैंक दिवालिया घोषित हो जाए तो ग्राहक बीमा सुरक्षा राशि के तहत अधिकतम 1 लाख रुपए ही वापस मिलेंगे, चाहे बैंक खाते में कितनी भी रकम क्यों न जमा की हो। सरकार कह रही है कि नए बिल में वो ऐसा इंतजाम करने की कोशिश कर रही है कि बैंक के दिवालिया होने की सूरत में ज्यादा से ज्यादा जमा पूंजी ग्राहक को वापस मिल सके। इसलिए वित्त मंत्री के ट्वीट और वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के आधार पर हमारी पड़ताल में बैंक में आम आदमी के पैसे डुबोने वाले सरकार के नए बिल का दावा झूठा साबित हुआ है। झूठा साबित हुआ है। झूठा साबित हुआ है।